देखो भाई, टेंथ क्लास का जो है ना आई टेन डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से, और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे। और देखो सब कुछ आपको जो है ना क्वेश्चन दे समझ में आना भाई, तो आप क्वेश्चन देखो। लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 71 मैंने करवा दिया, और अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 72 भाई। पढ़ने पर 72 बिल्कुल आसान है। 72 में लिखा हुआ एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर 30 मीटर हाइट भाई। कोई ऑब्जर्वर है उसकी जो हाइट है ना 1.5 मीटर है। जब आपको ऑब्जर्वर की हाइट गिवन हो ना तो उसको आप एक लाइन से शो करोगे, और जब ऑब्जर्वर की हाइट गिवन नहीं है तो आपको उसको फिर पॉइंट से शो करना भाई। पर अब की बार तो जो है ना ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो गिवन है भाई, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन से शो करोगे। ये मान लिया आपका ऑब्जर्वर है जिसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है भाई, उसके बाद क्या हुआ है इस ऑब्जर्वर से 28.5 मीटर आपको दूर जाना है। मान लिया ये ऑब्जर्वर हो गया, और इस ऑब्जर्वर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना मान लिया वो कौन है मेरी 28.5 मीटर है भाई। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस मान लिया कौन है वो 28.5 मीटर है। आपने ऑब्जर्वर से 28.5 मीटर दूर जाना है, वहां पर कौन है भाई, वहां पर एक टावर है जिसकी जो हाइट है वो कौन है मेरी 30 मीटर है। अब सीधी सी बात है जो टावर है वो भी आपका वर्टिकल ही होगा, वो भी कैसा होगा आपका वर्टिकल ही होगा, जिसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है भाई। इसकी जो हाइट है वो कौन है मेरी 30 मीटर है। एक बार फिर सुनो, कोई ऑब्जर्वर है भाई जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, फिर आपने ऑब्जर्वर से 28.5 मीटर दूर जाना है, वहां पर एक टावर है जिसकी जो हाइट है वो कौन है मेरी 30 मीटर है। उसके बाद डिटरमाइन दी, क्या डिटरमाइन करना है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका भाई ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई। ऑब्जर्वर की जो आई तो यहीं पर होगी, तो ऑब्जर्वर की जो आई है ना टावर के टॉप के साथ क्या एंगल बनाती है वो बताना है। तो आप ऑब्जर्वर की आई को टावर के टॉप तक मिलाओगे, आपने बताना है भाई कि ऑब्जर्वर की जो आई है ना टावर के टॉप के साथ क्या एंगल बनाती है। तो आप ऑब्जर्वर की जो आई है उसको टावर के टॉप तक मिलाओगे, साथ में ऑब्जर्वर की जो आई है वहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी ऑब्जर्वर की जो आई है ना टावर के टॉप के साथ ये एंगल बनाती है, और ये एंगल आपने बताना है तो मैंने थीटा मान लिया। अब आपने ये थीटा बताना है, अब देखो आप ये थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। अगर ये आपके 28.5 है तो ये भी कौन होगी मेरी 28.5 ही बनेगी, अगर ये 1.5 है तो ये भी कौन होगी 1.5 बनेगी, पूरी 30 है 1.5 ये कम होगी तो कितने बचेगी ये ऊपर वाली बचेगी आपकी 28.5। अब देखो थीटा आप कैसे निकाल लोगे, ये ट्रायंगल कैसी है मेरी राइट एंगल, तो आप ये अपॉन ये कर लो तो वहां से थीटा आ जाएगा मेरा। अब पेपर में कैसे लिखोगे वो देखो, ए इसको बी इसको सी इसको डी और इसको ई भाई। तो पेपर में ऐसे लिखोगे लेट बीसी इक्वल टू कोण 1.5 मीटर बी द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर भी, कि ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो मेरी कौन है 1.5 बीसी मान ली, एंड लेट ए डी इक्वल टू 30 मीटर है ना बी द हाइट ऑफ दी टावर भी, टावर की जो हाइट है वो मेरी कौन है 30 है ना,
अब देखो ED मेरी है 1.5, ED कौन है मेरी 1.5 मीटर है, तो फिर AE कौन होगी, तो AE मेरी बनेगी, आप पूरी में से ED करोगे माइनस, तो 30 माइनस 1.5 तो वो भी कौन होगी 28.5। आपने बताना क्या है कि ऑब्जर्वर की जो आई है ना टावर के टॉप के साथ कितना एंगल बनाती है, तो मैंने थीटा मान लिया, तो मानो थीटा भाई, तो लेट थीटा बी दा एंगल बिटवीन, थीटा बी दा एंगल बिटवीन किस किस के बीच का भाई, आई एंड टॉप ऑफ द टावर भाई, टॉप ऑफ द टावर भाई, टावर के टॉप और आई के बीच में जो एंगल है मैंने थीटा मान लिया। अब देखो आप थीटा कैसे निकालोगे, तो आप ए बी ई लोगे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए बी ई लोगे, देखो ए बी ई में क्या बनेगी, ये अपॉन ये करोगे, अरे ये भी गिवन, तो ये अपॉन ये करोगे, करना एक बार, तो आप ए ई अपॉन में क्या करोगे बी ई करोगे, अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट बनेगा, और थीटा मेरा थीटा है, देखो ए ई कौन है 28.5 अपॉन में कौन 28.5 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा भाई, कैंसिल हो गया, तो यहां पर 1 बचेगा इक्वल टू, अब टेंजेंट की वैल्यू 1 कहां पर होती है 45 पर, तो थीटा मेरा 45 होगा। तो कुछ खास नहीं था भाई, कोई ऑब्जर्वर है जिसके जो हाइट है 1.5 मीटर है, उस ऑब्जर्वर से 28.5 मीटर आपको दूर जाना है, वहां पर एक टावर है वो भी आपका वर्टिकली होगा जिसकी हाइट है 30 मीटर, उसके बाद ऑब्जर्वर की आई तो उसके टॉप पर ही होगी, तो ऑब्जर्वर की जो आई है ना टावर के टॉप के साथ एंगल क्या बनाती है वो हमने बताना है, तो आप ऑब्जर्वर की आई को टावर के टॉप तक मिलाओगे और साथ में इस पॉइंट तक ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी नी, यानी ऑब्जर्वर की आई टावर के टॉप के साथ ये एंगल बनाती है, अब ये एंगल हमने बताना है, तो थीटा मान लिया, तो ये अपॉन ये कर लिया, तो वहां से थीटा आ गया। चलो तुम ना जी यहां तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।